नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, 777 साल बाद ब्रह्मा का आदेश, आने वाले अगले 3 दिनों में जो होगा सबकी बोलती बंद करके रख देगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों इस बार बहुत बड़ा ग्रह परिवर्तन होने जा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर अब आपके ऊपर पड़ने वाला है। दोस्तों आने वाले 3 दिनों में जो परिवर्तन होने वाले हैं, जो बदलाव लेकर आ रहे हैं, क्या वह सकारात्मक होंगे या नकारात्मक, इसकी जानकारी आगे इस वीडियो में हमने प्रदान की है, जिन्हें जानना आपके लिए अति आवश्यक है। दोस्तों आने वाले यह 3 दिन आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए व अन्य सभी क्षेत्रों के लिए क्या शुभ रहेगी और क्या अशुभ, सभी जानकारियां पूरे विस्तार से देंगे। बस आपसे इतना ही अनुरोध है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। सबसे पहले सभी सच्चे शिव भक्त वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जो भी लिखेगा सारे बिगड़े काम बनेंगे आने वाले 3 दिनों में, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से संपन्न होंगे, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं गुरु जी के एक बहुत ही बड़े सुंदर अनमोल विचार से। दोस्तों दुनिया में लोग कहते हैं पैसों को बचा कर रखो, बुरा समय आएगा तो यही पैसा काम आएगा, पर हम कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा। जो इंसान भगवान पर भरोसा रखता है उनकी जीवन की गाड़ी हमेशा पटरी पर बनी रहती है। अगर आपको समझ आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कहिएगा राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं आने वाले 3 दिनों के बारे में। दोस्तों दिन की शुरुआत बेहतरीन रहेगी, इसलिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर विशेष ध्यान दें। किसी लक्ष्य प्राप्ति में भाइयों का प्रयोग सहयोग प्राप्त होगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी और उन्हें पढ़ाई में अधिक से अधिक मन लगेगा। वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय दोपहर के बाद, देखिए स्थिति कुछ बदल सकती है। ऐसा लगेगा जैसे कि परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही है, परंतु धैर्य और संयम से अपना समस्या को काबू में रख लेंगे। घर परिवार में कार्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण स्वयं पर अधिक से अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय आपकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली को अपने बेहतरीन उपलब्धि हासिल होगी और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता और वर्चस्व और अधिक बढ़ेगी। साथ ही आप अपनी फिटनेस पर भी समय दे पाएंगे। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, यह समय अपने व्यक्तित्व और दिनचर्या में समय अनुसार बदलाव लाएं। ये आपके बनते हुए कार्यों में अक्सर रुकावटें आने का कारण आपके स्वयं का ही वातावरण भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा और इस समय उतावलापन होने से बचिएगा। गुस्सा ही आपका सबसे बड़ा अहम है, इसलिए गुस्से पर काबू रखना अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों देखिए मामों पक्ष से कुछ वाद विवाद होने की आशंका बनी हुई है, इसलिए आपको इस समय लड़ाई झगड़े से दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए उचित रहेगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, यह समय किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ चल रही गलत फहमियाँ दूर होंगी, आशाएं और उम्मीद की नई किरण का उदय होगा। संपत्ति और बंटवारे संबंधी गतिविधियां किसी अनुभवी व्यक्ति की मध्यस्थता से हल हो जाएंगी। कोई भी निवेश करने से पूर्व उसकी सभी पहलुओं पर उचित विचार विमर्श करना बेहद जरूरी है। युवा वर्ग प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने अध्ययन व कैरियर के साथ किसी भी प्रकार का समझौता कंप्रोमाइज ना करें, अन्यथा आने वाले समय में आपको पछताना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, समय आपका अनुकूल है, इसका भरपूर सदुपयोग करें और व्यर्थ की गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने कार्यों में मस्त रहें, व्यस्त रहें।
घर का माहौल व्यवस्थित बना रहेगा। पड़ोस में किसी धार्मिक समारोह में जाने से लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा और काफ़ी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथी दोस्तों, देखिए किसी किसी समय आपका मन छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित रह सकता है। अपनी मनोस्थिति पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी परेशानियों का नकारात्मक प्रभाव आपके देखिए परिवार पर भी पड़ेगा। भाइयों के साथ संबंध में कटुता न आने दें, ये आपके लिए उचित रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय व्यवसाय में अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों के प्रति लापरवाही ना करें। शेयर और तेजी मंदी जैसी गतिविधियों में भूलकर भी अभी पैसा ना लगाएं, वरना आपका नुकसान हो सकता है। ऑफिस का माहौल उत्तम बना रहेगा, एक दूसरे का साथ मिलेगा और बॉस आपकी कामों से खुश होकर आपको तारीफ करेंगे, प्रमोशन आदि भी हो सकता है। वहीं दोस्तों, जो जातक बहुत दिनों से रोजगार बैठे थे, उनके लिए एक अच्छी सी जॉब मिल सकता है, अच्छा सा अवसर आ सकता है। कार्य क्षेत्र में देखिए कुछ व्यवधान आएंगे जिन्हें आप बहुत समझदारी से सुलझा लेंगे। इस समय किसी भी तरह की व्यवसाय संबंधी उधारी ना करें। नौकरी पेशा लोगों की मेहनत जल्द ही उन्हें अपने लक्ष्य के निकट ले जाएगी। देखिए, जो समय के साथ चलता है और समय के साथ मेहनत करता है, उन्हें सफलता गारंटी मिलेगी, लेकिन आपको इस समय की बर्बादी करने से बचना होगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगी, आपके कैरियर के लिए जो समय होंगी, यह समय कारोबारी स्थितियां कुछ मंदी रहेगी। जमकर मेहनत करेंगे तो जल्द ही बिजनेस में मजबूती आएगी, ऑफिशियल यात्रा होगी जिससे नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग बने हुए हैं। देखिए, आपके लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, यह समय कार्य क्षेत्र में अपने उपस्थिति रखना बेहद जरूरी है। स्टाफ अथवा कर्मचारी के भरोसे रहना अभी आपको नुकसान दे सकता है। किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि ना लें। समय किसी देखिए प्रकार की इंक्वायरी अथवा पेनल्टी लगने की स्थिति बनी हुई है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय घर का वातावरण खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रेम प्रसंग मनहानि का कारण भी बन सकती हैं, इसलिए प्रेम संबंध में अभी आपको व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ यानी कि सेहत को लेकर बात करें तो यह समय काम की अधिकता की वजह से तनाव और गुस्सा हावी हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल जैसी समस्या भी आपकी बढ़ सकती है। देखिए, काम के प्रति लापरवाही आपको समय नहीं करना है और ना ही आपको इस समय अपने सेहत के प्रति लापरवाही करना है। काम के साथ साथ आराम करना और इनका उचित इलाज करवाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा।